रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन को अमेरिका से मदद मिलना जारी है। इस बार अमेरिका ने यूक्रेन को अपना भरोसेमंद फौलादी फाइटर वाहन दिया है जो यूक्रेन के फौजियों को रूस की गोलियों से बचाएगा और रूस के सैनिकों पर डेडली अटैक करने में मदद करेगा। इसके अलावा फ्रांस ने भी यूक्रेन को डिफेंसिव हथियार भेजने का ऐलान कर दिया है। ये यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की नई सौगात है जो यूक्रेन को जंग के मैदान में रूस के खिलाफ काफी मजबूत बना देगी। अमेरिका की ये फौलादी मिलिट्री गाड़ियां यूक्रेन के सैनिकों के लिए कवच का काम करेंगी। यूक्रेन इन गाड़ियों का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन और दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने के लिए करेगा। अमेरिका ने शिप के जरिए यूक्रेन को 60 ब्रैडली फाइटिंग वाहन भेजे हैं जो एक एक कर यूक्रेन के बंदरगाह पर उतारे गए। अमेरिका ब्रैडली गाड़ियों का इस्तेमाल 1980 से करता आ रहा है। अफगानिस्तान, इराक और सीरिया समेत कई देशों में जंग के वक्त अमेरिका ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। ब्रैडली गाड़ियों की खासियत यह है कि ये भीषण युद्ध के दौरान सैनिकों को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती हैं। इसमें हाई रेंज गन भी मौजूद होती है जिससे दुश्मन को निशाना भी बनाया जा सकता है। यूक्रेन में करीब एक साल से जारी जंग में जेलेंस्की को जिन हथियारों की जरूरत महसूस होती है वो अमेरिका से उसकी डिमांड करते हैं और अमेरिका जेलेंस्की की मांग पर विचार कर उसे पूरी करने का फैसला करता है। जंग के शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि यूक्रेन को उसके MLR सिस्टम हाईमार्स की जरूरत है, तो अमेरिका ने यूक्रेन को 20 हाईमार्स पहुंचा दिए। साथ ही यूक्रेन को अपना NASAMS यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी दे दिया। हाईमार्स तो जंग में गेम चेंजर साबित हुआ। रूस को इस अमेरिकी सिस्टम से इतना नुकसान पहुंचा कि रूस को इससे निपटने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर ही बनाना पड़ा। अब अमेरिका ने रूस की मिसाइल और ड्रोन हमलों को काउंटर करने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट देने का ऐलान किया है। अमेरिका के अलावा फ्रांस भी यूक्रेन के खुलकर मदद कर रहा है। फरवरी के अंत तक फ्रांस पोलैंड में 150 सैनिक भेजेगा जो हर महीने यूक्रेन के 600 सैनिकों को आधुनिक युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा फ्रांस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को 12 और सीजर ट्रक माउंटेड होविट्सर तोप देने का ऐलान किया। इससे पहले फ्रांस यूक्रेन को 6 सीजर ट्रक माउंटेड होविट्सर तोप दे चुका है। फ्रांस का दावा है कि उसने यूक्रेन को अब तक जितने भी हथियार सप्लाई किए हैं वो पूरी तरह से डिफेंसिव यानी रक्षात्मक हैं, जिससे यूक्रेन की फौज इन हथियारों से अपनी रक्षा कर सकेगी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंटरस्टेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है अगर आप इसकी जीप काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।